आप लोगों को अच्छे से अच्छा शो कर सके और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा सके। तो उसी कड़ी में आज हम भी आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं, तो उस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन एक्चुअल में। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा यूनिक टॉपिक है, और इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल इसमें बनता है, और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी आपके यू बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम कुछ क्राइटेरियाज में बांट देते हैं। पहला है हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो नेचर होती है, नेचर किस पर काम करती है? नेचर ऑलवेज डिपेंड होती है स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मीन टू से लाइक कोई सॉल्वेंट आपके पास है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज सॉल्यूशन को जनरेट करता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो नेचर को, और जो सॉल्यूट होता है वो कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है यहाँ पर। तो सॉल्वेंट यदि आपका, सपोज यू हैव एन एग्जांपल शुगर प्लस वाटर गिव्स सिरप। सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर? लिक्विड लिक्विड देन सॉलिड। तो यहां से क्लियर हो जाती है कि जो नेचर सॉल्वेंट की होती है वो ही नेचर आपकी सॉल्यूशन की होती है। तो सॉल्वेंट तो केवल आपका नेचर को क्लियर करता है, और जो सॉल्यूट है वो कंसंट्रेशन को क्लियर करता है। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन को क्लियर करेगा। कंसंट्रेशन मेन टू से कोई भी सॉल्यूट कितना हार्ड है, मेन टू से डेंसर लेवल पे। लाइक आपके पास एक एग्जांपल है कि आपने वाटर लिया, आपने हनी लिया, तो हनी और वाटर की कंपेयर करते ही आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा कि वाटर जो है वो लाइट है हनी की कंपेयर में। यानी कि वाटर हनी यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेट है वाटर की कंपेयर में। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पर यदि हम इसको आगे बढ़े तो कंसंट्रेशन की दो फॉर्म बन जाती है। एक आप यहाँ पर डाइल्यूट वर्ड करके पढ़ते हैं और एक कंसंट्रेट वर्ड करके पढ़ते हैं। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट मतलब यहाँ पर कोई भी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलकर वाटर के अंदर उसकी नेचर को शो कर रहा है। तो दैट मीन्स यदि हम बात को कंक्लूड कर दें तो कंक्लूड करके ये रिजल्ट निकलता है कि हमारे जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर काम करती है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऑलवेज सॉल्यूशन बना करता है।